नमस्कार मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास की व्याख्यान माला में फिर से आपका स्वागत है। आज हम नए प्रकरण के साथ हैं, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ये उत्तर भारत का वो विशाल साम्राज्य था जिसने सबसे पहले इतने विस्तृत साम्राज्य की आधारशिला रखी। मौर्य साम्राज्य का समय 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व है। कुछ स्थानों पर इसे 323 ईसा पूर्व मानते हैं, किंतु प्रामाणिक समय 322 ही माना जाता है। मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। इस साम्राज्य के जानने के स्रोत क्या हैं, कैसे साम्राज्य स्थापित हुआ, क्या प्रमाण है, पहले हम इस पर चर्चा कर लें, फिर हम इस साम्राज्य के संस्थापक शासकों और उनकी उपलब्धियों के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम स्रोतों के बारे में। मौर्य साम्राज्य में जो शासक हुए उनकी उपलब्धियां हैं, उन सबको हम इन स्रोतों से प्रमाणित करते हैं। सबसे पहला स्रोत है ब्राह्मण साहित्य, उसमें पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, महाभास जैसे साहित्यिक साक्ष्य आते हैं। जो हिंदू धर्म के पुराण ग्रंथ हैं उनसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस ये संस्कृत नाटक है और इसके लेखक हैं विशाखदत्त। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस ये पुस्तक है। कथा सरित सागर सोमदेव की पुस्तक है, इससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मार्श पतंजलि की रचना है महाभास, इससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे साहित्यिक स्रोत बौद्ध साहित्य हैं। बौद्ध साहित्य की जो पुस्तकें हैं, दीपवंश है, महावंश है, महाबोधिवंश दिव्यावदान, ये तीन पुस्तकें हैं। और यहां मैं आपको बता दूं कि जो बौद्ध साहित्य है ये चंद्रगुप्त के बारे में, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने का सबसे प्रमाणिक स्रोत है। ये सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत है चंद्रगुप्त के बारे में जानने का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जैन साहित्य, जो जैन धर्म की पुस्तकें हैं उनमें कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वण, ये दो पुस्तकें हैं। हेमचंद की पुस्तक है परिशिष्ट पर्वण, इससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ प्रमाण मिलते हैं। विदेशी स्रोत, विदेशी यात्रियों के द्वारा ऐसी पुस्तकें लिखी गई। इंडिका जिसके लेखक हैं मौर्य साम्राज्य के समय आया हुआ एक विशेष राजदूत मेगस्थनीज, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया हुआ सेल्यूकस जो यूनानी शासक था उसका राजदूत था। इसने राजधानी नगर पाटलिपुत्र का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। यहां मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जो इसकी पुस्तक इंडिका है वो मूल रूप में आज नहीं प्राप्त होती, किंतु इंडिका के आधार पर जो दूसरी पुस्तकें लिखी गई, दूसरे यूनानी लेखकों ने जो मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है उसमें इंडिका का संदर्भ मिलता है, इसको ध्यान में रखना। इंडिका मूल रूप में प्राप्त नहीं है, किंतु मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र को देखा था उसका वर्णन इंडिका से प्राप्त होता है। अभिलेख मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए सबसे प्रमाणिक स्रोत के रूप में अभिलेख है। अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख,
जो लघु शिलालेख, बृहत शिलालेख और स्तंभ लेख के रूप में है। शक शासक रुद्र दमन जो आज गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर शक शासक रुद्र दमन का शासन था, वहां उसके द्वारा लिखा गया संस्कृत भाषा का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जूनागढ़ अभिलेख। उस जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील और उस झील के निर्माण करने वाले मौर्य साम्राज्य के पुष्यमित्र नाम के गवर्नर का उल्लेख प्राप्त होता है। उस अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि मौर्य साम्राज्य का जो गवर्नर था उसने सुदर्शन झील का निर्माण जूनागढ़ क्षेत्र में करवाया था। पुरातात्विक साक्ष्य, पाटलिपुत्र और उसके आसपास कुम्हरार में, बुलंदी बाग में, जयमंगलगढ़ क्षेत्र में जब उत्खनन का काम हुआ तो वहां आहत सिक्के मिले हैं। चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं, काली मिट्टी के बने बर्तन, जो बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं, मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इन सब अवशेषों के आधार पर हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो ये तो बात हुई कि सबसे पहले कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है। एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर हमें सबसे पहले स्रोत और फिर ये स्रोत क्या प्रामाणिक हैं, इस पर चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद अब इन स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हम आपसे चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था और मौर्य साम्राज्य वो साम्राज्य है जब इतिहास के उस युग की शुरुआत हुई जिसमें तिथि क्रम का निर्धारण हुआ। तो ऐतिहासिक युग जहां तिथि क्रम का निर्धारण है, इस प्रकार के आधारभूत ऐतिहासिक तथ्य के साथ इतिहास का निर्माण मौर्य साम्राज्य काल से होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व, ध्यान रखना 322 से 298 ईसा पूर्व, 24 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष शासन किया। इसका शासन काल कितने दिन चला? 24 वर्ष। तथ्यों को याद करने के लिए कोरिलेट करिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासक बना उस समय उसकी उम्र थी 25 वर्ष। शासक बनने के समय उम्र 25 वर्ष और शासन किया 24 वर्ष। अब इस साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य क्यों कहते हैं? आखिर इसे मौर्य साम्राज्य क्यों संज्ञा दी गई? थोड़ा हम पृष्ठभूमि में जाते हैं। चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य स्थापित किया उसके लिए मौर्य साम्राज्य नाम दिया गया। इसके बारे में दो तीन ऐसे दंत कथाएं हैं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त की मां मुरा नामक निम्न कुल क्षत्रिय, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, इसकी मां मुरा नामक निम्न कुल क्षत्रिय थी, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य पड़ा। दूसरा जो मिथक है, ऐसा उल्लेख है कि जो मगध है वहां मौर्य वंश था, इस वंश के एक सामंत के पुत्र के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। दूसरी धारणा यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मौर्य वंश के एक सामंत के यहां हुआ,
किंतु जन्म से पूर्व इसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इसके पिता सामंत थे, सीमांत प्रदेश में विद्रोह को दबाने गए हुए थे, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जब यह समाचार पहुंचता है तो इसकी जो मां थी, जो पाटलिपुत्र में थी, वहीं पर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त के पिता नंदवंश के यहां सामंत थे। नंदवंश के राज्य में चंद्रगुप्त का लालन पालन हुआ। चूंकि पिता का साया सर से उठ चुका था, इसलिए मां ने इन्हें एक गोपालक, जो पशुओं का पालन करते थे, उन्हें दे दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का लालन पालन एक गोपालक के यहां हुआ। गायों के साथ, पशुओं के साथ इनका जीवन आगे बढ़ा। गोपालक ने इनको एक शिकारी को दे दिया। एक शिकारी परिवार था, उसके यहां चंद्रगुप्त रहे। शिकारी परिवार ने इनको खरीदा था, ऐसा उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर प्रतिभा थी, वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। तो शिकारी परिवार के यहां भी रहते हुए उनके अंदर उन गुणों का विकास हुआ और वो बहुत सहज बुद्धि से एक नेतृत्व क्षमताशील व्यक्ति थे। लड़कपन में ही वो अपने साथ के जो समवयस्क बच्चे रहते थे उनको बुला करके उनके साथ कौतुक करना, खेल खेलना, न्याय करना, इस प्रकार का काम करते थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त जब बालक था उसी समय राजकीलक नामक एक खेल वो खेल रहा था अपने हम उम्र के बच्चों के साथ। संयोगवश चाणक्य, जो तक्षशिला के आचार्य थे, वो उस रास्ते से गुजरे। चाणक्य ने राजकीलक खेल खेलते हुए बालक चंद्रगुप्त को देखा और चंद्रगुप्त के अंदर विलक्षण प्रतिभा देख करके उस बालक को पहचान गए कि इस बालक में कुछ विशेष है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्राप्त करने के लिए शिकारी से बात की और शिकारी को 1000 काशार्पण, मौर्य काल का सिक्का था, मौर्य काल की मुद्रा है, 1000 मुद्रा के बदले शिकारी से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खरीद लिया और चाणक्य उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। तक्षशिला उन दिनों विद्या का केंद्र था, विश्वविद्यालय था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समस्त विद्याएं, कलाएं इनमें पारंगत किया। चंद्रगुप्त की किशोरावस्था तक्षशिला में बीती। वहां उनको राजनीति, शस्त्र विद्या, ये सारी शिक्षा चाणक्य से प्राप्त हुई। और कहते हैं कि ये वही समय था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। संयोग बस ये सिकंदर के आक्रमण का समय था। अब आइए किस तरह एक किशोर उम्र से चंद्रगुप्त एक शासक की ओर बढ़ा, क्या क्या अवस्थाएं आई, कौन कौन सी परिस्थितियां आई, जिन परिस्थितियों से पार होता हुआ एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला चंद्रगुप्त सिकंदर के साथ रहते हुए शासक तक पहुंचा, उस यात्रा पर हम चलते हैं। हां, हम बात कर रहे थे आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की राज यात्रा एक तक्षशिला के किशोर से लेकर के राज सिंहासन तक पहुंचने की जो उसकी यात्रा है वो बड़ी विविधतापूर्ण रही है। आचार्य चाणक्य के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त हुई तक्षशिला में। यही वो समय था जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। कब? 326 ईसा पूर्व। संयोग बस तक्षशिला, जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर है।
चंद्रगुप्त मौर्य उसी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना में भी सैनिक के रूप में भाग लिया और एक प्रकार से इसका सैनिक प्रशिक्षण उस सेना में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के साथ यूनानी जो युद्ध तकनीक थी उसका भी उसने ज्ञान प्राप्त किया और सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद जब पकड़े जाने का भय हुआ तो वो उस सेना से निकल आया। इसके समय ही जो पश्चिमी भारत था उसके ऊपर यूनानियों ने आक्रमण कर लिया, यूनानी अधिकार हो गया। राजा अंबी सिकंदर से मिल गया, राजा पोरो को हरा करके पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है उस पर यूनान का अधिकार हो गया। परिस्थितियां बदली, सिकंदर को वापस जाना पड़ा और सिकंदर के वापस जाते ही 325 ईसा पूर्व में जो यूनानी क्षत्रप था, क्षत्रप यूनान के जो सामंत होते थे उनको क्षत्रप कहा जाता था, यूनानी क्षत्रप था फिलिप सेकेंड। सिंधु नदी का जो ऊपरी क्षेत्र है, उत्तरी भाग है, वहां पर फिलिप सेकेंड का शासन था। सिकंदर ने यूनानी क्षत्रप फिलिप सेकेंड को सिंधु नदी के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित कर वापस चला गया। 325 में फिलिप सेकेंड की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो आज का पंजाब और सिंध क्षेत्र है वहां अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई। इस परिस्थिति का लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। चंद्रगुप्त और चाणक्य जो उनके मार्गदर्शक थे, गुरु थे, इनका एक उद्देश्य था। चाणक्य के एक उद्देश्य संयुक्त भारत की स्थापना, एक राष्ट्र। और एक राष्ट्र कब स्थापित होगा? जब यूनानी शासन समाप्त होगा। चाणक्य का पहला उद्देश्य था कि यूनानी जो आक्रांता हैं उनसे भारत को विजय दिला करके एक राष्ट्र की स्थापना। और दूसरा उद्देश्य चाणक्य का था नंदवंश, जो पाटलिपुत्र से शासन कर रहा था, नंदवंश जो कि अराजकता के लिए, अपने अत्याचार के लिए जाना जाता था, ऐसे अत्याचारी अराजक शासक वंश को हटा करके व्यवस्थित शासन स्थापित करना। इन दो उद्देश्यों को लेकर के आचार्य चाणक्य चल रहे थे और इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया था। पहली परिस्थिति देखिए चंद्रगुप्त के किस तरह पक्ष में हुई। यूनानी क्षत्रप की हत्या कर दी गई, फिलिप सेकंड की हत्या हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य का अवसर मिल गया और 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके जो आज का पश्चिमी भारत है, सिंध और पंजाब का क्षेत्र, इस पर चंद्रगुप्त ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सिकंदर के क्षत्रप फिलिप सेकंड की हत्या हो चुकी थी, अब कोई क्षत्रप ऐसा शक्तिशाली था नहीं। इस परिस्थिति का लाभ उठाया चंद्रगुप्त ने, स्थानीय लोगों की सेना बनाई और पश्चिमी भारत पर उसने अधिकार कर लिया। यह उसकी नेतृत्व क्षमता का गुण था। सिंध और पंजाब उसके नियंत्रण में आ गए, पश्चिमी क्षेत्र पर धीरे धीरे अपना प्रभाव स्थापित किया। सिकंदर का एक और क्षत्रप था यूडेमस। यूडेमस सिंध के निचले क्षेत्र का शासक था। उसने चंद्रगुप्त के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके 317 बीसी में बिना चंद्रगुप्त से लड़े ही वो क्षेत्र छोड़ करके यूनान चला गया।
पूरा सिंध और पंजाब चंद्रगुप्त के नियंत्रण में आ गया। किस तरह परिस्थितियां चंद्रगुप्त के फेवर में हुई कि पश्चिमी क्षेत्र चंद्रगुप्त के नियंत्रण में आ गया। चाणक्य का एक उद्देश्य पूरा हुआ कि यूनानी क्षत्रपों को समाप्त करना। ठीक, चाणक्य का पहला जो उद्देश्य था यूनानी शासन की समाप्ति, वो कुछ हद तक पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी चुनौतियां बाकी थी। आइए हम बात करते हैं दूसरा जो इनका उद्देश्य था, नंद वंश की समाप्ति। पश्चिमी क्षेत्र पर जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो गया, तो अब दूसरे उद्देश्य के लिए जो चाणक्य का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि धननंद ने, जो नंद वंश का शासक था, उसने चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने उससे बदला लेने और नंद वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी। अब वो समय आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ी सेना बनाई और उस सेना में जो मलेच्छ थे, ऐसे लोग जो शस्त्रोपजीवी, अर्थशास्त्र में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त की सेना में कौन से लोग थे, मलेच्छ थे, शस्त्रोपजीवी थे, चोर लोग थे, आटविक जो जंगल में रहने वाले लोग थे। ध्यान दे, अर्थशास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि चंद्रगुप्त की सेना में ये लोग शामिल थे। और यूनानी लेखक जो जस्टिन है, उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त की सेना लुटेरों की सेना थी। लुटेरों की सेना, इस शब्द का प्रयोग जस्टिन ने किया है चंद्रगुप्त सेना के लिए। एक यहां पर और आप कुछ तथ्य ले लीजिए, स्ट्रैबो यूनानी लेखक है और जस्टिन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सैंडोकोटस ये शब्द किसके लिए और किसने प्रयोग किया है, तो स्ट्रैबो और जस्टिन ने सैंडोक्रोटस शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त के लिए किया है। दूसरे यूनानी लेखक थे एरियन और प्लूटार्क, उन्होंने चंद्रगुप्त के लिए एंड्रोकोटस एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। एक और यूनानी लेखक है फिलार्कस, उसने सैंड्रोकोप्टस, ये तीन शब्द काफी सिमिलर हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रैबो और जस्टिन ने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया है, एरियन और प्लूटार्क ने अपनी पुस्तकों में एंड्रोकोटस शब्द चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया, फिलार्कस ने सैंडोक्रोप्टस कहा। लेकिन जो शब्द सैंडोक्रोप्टस है, इस शब्द को चंद्रगुप्त के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक ने इस शब्द को मान्यता दी। हम आपको बात कर रहे थे कि चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना बनाई और विशाल सेना लेकर के उसने नंदवंश को समाप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया, नंदवंश पर आक्रमण किया गया। लेकिन चंद्रगुप्त को शुरू में सफलता नहीं मिली। चंद्रगुप्त ने अब रणनीति बदली, सीमांत क्षेत्र में जो नंदवंश का, मगध वंश का साम्राज्य था मगध का, उसके सीमांत क्षेत्र पर पहले आक्रमण करते हुए राजधानी तक पहुंच करके और 322 ईसा पूर्व में धननंद जो थे, जो नंद वंश का शासक था, इसकी हत्या कर दी। धननंद की हत्या कर दी गई 322 ईसा पूर्व में। चाणक्य का दूसरा उद्देश्य भी पूरा हुआ,
अत्याचारी आत्ताई शासक नंदवंश का मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कर दिया गया। चाणक्य को अमात्य का पद दिया गया, अमात्य का पद चाणक्य को दिया गया, प्रधानमंत्री की तरह का यह पद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पहुंच करके पाटलिपुत्र में अपना राज्यारोहण करके मौर्य वंश की विधिवत स्थापना कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो गया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी बन गई। मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त का जीवन बहुत संघर्ष और इस प्रकार की परिस्थितियों से परिपूर्ण था, जिसमें कई उत्थान पतन देखे। चंद्रगुप्त मौर्य को नई चुनौती यूनानियों के आक्रमण के रूप में फिर से मिली। 305 BCE में सेल्यूकस, जो सिकंदर का सेनापति था, ये एंटियोकस का पुत्र था, इसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर फिर से आक्रमण कर दिया और सिकंदर के द्वारा जीते गए राज्य को फिर से प्राप्त करना चाहता था। सिंध नदी उसने पार की और सिंध नदी पार करके चंद्रगुप्त की सेनाओं के साथ इसका युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त ने बड़ी सफलतापूर्वक सेल्यूकस का रास्ता रोक दिया। पहले की परिस्थिति भिन्न थी, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, अब सेल्यूकस को एक ऐसे शक्तिशाली शासक का सामना करना पड़ा जो उत्तर भारत का एक छत्र शासक था, जिसके नेतृत्व में बड़ी सेना थी। परिणाम हुआ कि सेल्यूकस की सेना हार गई, सेल्यूकस पराजित हुआ, सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी और सेल्यूकस को आर्कोसिया गांधार को कहते थे, गांधार, काबुल और हेरात, गांधार, काबुल, हेरात जो अफगानिस्तान के क्षेत्र थे उसको देना पड़ा। सेल्यूकस ने ये क्षेत्र मगध साम्राज्य को दिए। चंद्रगुप्त ने भी इस संधि में सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। इस संधि में एक और बात हुई, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया और इस प्रकार दोनों राज्यों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए, जिससे कि शत्रुता कम की जा सके। तो पुत्री का विवाह भी सेल्यूकस को करना पड़ा, अपने गांधार, काबुल और हेरात के क्षेत्रों से भी अधिकार हट गया उसका। 500 हाथी चंद्रगुप्त ने दिए। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज, जो इंडिका का लेखक था, इसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। तो इस विजय से चंद्रगुप्त का जो अभियान था वो और सफल हो गया और भारत की जो सीमाएं, एक जो वैज्ञानिक सीमा थी, उस आकार को पा सकी। वैज्ञानिक सीमा क्यों? काबुल कांधार के पास हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, तो हिंदू कुश पर्वत पश्चिम में, हिंदू कुश पर्वत से लेकर के पश्चिम में सीमा कहां से चालू हुई? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत के रूप में एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण हो गया, हिंदू कुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल तक। चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल तक। बंगाल में जो इसकी विजय का अभिलेख है, महास्थान अभिलेख, इस महास्थान अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पूर्व में इसकी सीमा बंगाल तक थी। इसी तरह उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में
उत्तरी कर्नाटक इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की। चंद्रगुप्त के सामने अब चुनौतियां समाप्त हो चुकी थी। चंद्रगुप्त ने लगभग अखंड भारत की स्थापना, जो आचार्य चाणक्य का उद्देश्य था कि अखंड भारत की स्थापना की जाए, वो लगभग पूरा हो चुका। अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण भारत तक का क्षेत्र एक अखंड भारत के रूप में राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल एक साम्राज्य निर्माता नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दूरदर्शी के रूप में, प्रशासनिक संगठनकर्ता के रूप में एक सफल शासक सिद्ध हुआ। केवल विजय ही नहीं की, इसने प्रशासन को संगठित भी किया। और ये सारी चीजें हम जब अगर अर्थशास्त्र, जो उस समय का प्रमाणिक स्रोत ग्रंथ है, किसने इसकी रचना की? कौटिल्य। कौटिल्य जो चाणक्य का नाम है, कौटिल्य की रचना है। और ये राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। राजनीति शास्त्र में जो अर्थशास्त्र का महत्व है वो बहुत है। राजनीति शास्त्र के इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन का वर्णन है। इससे को पता लगता है कि कितना सुंदर प्रशासनिक संगठन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और उसके बहुत से जो आधार तत्व हैं, बहुत से जो विषय हैं, आज तक चले आ रहे हैं। राज्यों का संगठन, साम्राज्य को राज्यों में बांटना, वहां पर राज्यपालों की नियुक्ति करना, जिसको हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के रूप में आपसे चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र में हमें जानकारी मिलती है, इंडिका, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का बहुत जीवंत वर्णन किया है। उसने लिखा कि पाटलिपुत्र जो राजधानी नगर है, वो इतना विशाल नगर है, इतना सुंदर नगर है कि ईरानी साम्राज्य की राजधानी सूसा को भी वो लज्जित करता है। सूसा से भी श्रेष्ठ है। और 16 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र राजधानी का है। ये नहीं, पूरे राजधानी के चारों ओर विशाल परकोटा है, जिसमें 64 जो प्रवेश द्वार हैं। इस प्रकार नगर सुव्यवस्थित है। नगर के चारों ओर 165 मीटर चौड़ी खाई है, जो 30 हाथ गहरी है। नगर के चारों ओर ऐसी चौड़ी खाई प्राकृतिक रूप से बनाई गई है, जिससे कृत्रिम रूप से और प्राकृतिक रूप से नदियों के द्वारा जोड़ा गया है, जिससे कि कोई नगर में प्रवेश न कर सके। तो इस प्रकार सुरक्षित राजधानी का निर्माण हो, प्रशासनिक संगठन हो, इन सब का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में 4000 श्लोक हैं। और इसके 15 अध्याय हैं, 180 अभिकरण हैं। ये ध्यान रहे, 15 अध्याय में अर्थशास्त्र बटा हुआ है और 180 अभिकरण है इसमें। इन दोनों पुस्तकों से हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मात्र एक बहुत अच्छा विजेता ही नहीं, अच्छा प्रशासनिक संगठन करता भी था। और वो एक धार्मिक उदार शासक भी था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन धर्म की दीक्षा ले ली। जैन धर्माचार्य थे भद्रबाहु। भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ले ली और उनके साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला, जो आज के मैसूर के पास है, श्रवण बेलगोला चला गया और वहां जैन सन्यासी बन गए। एक ऐसा शासक जो अंत में सन्यास ले ले, बहुत कम उल्लेख इस प्रकार के मिलते हैं। श्रवण बेलगोला चला गया और वहां इसने तपस्या करते हुए
जैन पद्धति के आधार पर उपवास करते हुए अपना शरीर इसने छोड़ा। जैन धर्म में उपवास करते हुए शरीर छोड़ने के संस्कार को कहते हैं संलेखना। संलेखना करते हुए इसने अपने प्राण त्यागे। 298 तक इसका शासन था। आज भी श्रवण बेलगोला में एक पहाड़ी है जिसका नाम है चंद पर्वत। संभवतः उसी चंद पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी साधना की थी। अपना शासन इसने अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया। पिता ने अपने राज्य को अपने पुत्र को देकर के संन्यास लिया हो, ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त एक महान विजेता, एक अदम्य साहसी, पराक्रमी, बहुत कुशल प्रशासनिक संगठन करता था और इसकी उपलब्धियां प्रशासनिक संगठन के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, इन तीन शासक और इनकी उपलब्धियों और इसके पश्चात मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक संरचना के विषय में बात करते हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।